हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। तो अपनी जो सीरीज़ चल रही है DFCCIL CBAT के लिए, उसमें अपन आज प्रैक्टिस सिक्स है आज उसमें, और 5 पार्ट आ चुके हैं। तो आप उसको ज़रूर देखें और अपनी CBAT की तैयारी स्टार्ट कर दें अभी से, क्योंकि आंसर की आ सकती है। और फिर अगर ज़्यादा टाइम नहीं दिया उन्होंने तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए अभी से थोड़ा थोड़ा देखना स्टार्ट कर दीजिए। तो जब एग्ज़ाम आएगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, और आंसर की आ ही जाएगी। अभी 1 हफ्ते में आंसर की आ जाएगी, फिर उसके बाद CBAT के लिए डेट आ जाएगी। तो फिर आपको देखना पड़ेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको सारी वीडियो मिलती रहेंगी और आपकी CBAT की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आज अपन जो इंटेलिजेंट टेस्ट होता है, उसमें 5 टेस्ट होंगे आपके, ठीक है। तो उसमें से एक टेस्ट होता है इंटेलिजेंट टेस्ट, उसके अपन क्वेश्चन करेंगे, जिसमें क्या होता है कि 4 जो फिगर होते हैं वो 3, जैसे कि इसमें 3 फिगर है, तो इसमें 3 फिगर सिमिलर होंगे, किसी ना किसी बेस पे सिमिलर होंगे, और एक है ना अनसिमिलर होगा। तो अपन को जो अन नॉट जो सिमिलर नहीं होता, जो ऑड फिगर होता है, ऑड फिगर वो अपन को सर्च करना है और देखना है, उस पर टिक करना है आंसर। तो आज लगभग 90+ क्वेश्चन अपन करेंगे, और इसमें सारे फिगर कवर कर दिए मैंने, जो भी रेलवे में आए हुए हैं वो, और जो SSC में भी पूछे हैं वो, तो जो सारे कॉम्पिटिशन लेवल के हैं वो सब कर दीजिए। तो आप देखना वीडियो को एंड तक, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि देखिए, अब इसमें आपको पहचानना है कि कौन सा फिगर डिफरेंट है। अब इसमें आपको ये दोनों, तो अब देखो इसमें ट्रायंगल ट्रायंगल सब में चार चार बने हैं, तो इसमें तो कोई वो नहीं है। अब ये फिगर ऐसे बना है। अब इसमें कुछ कुछ आंसर है ना, एग्जामिनर क्या आंसर लगाता है वो भी डिपेंड करता है। अपन कुछ और सोचे, वो कुछ और सोचे, तो अपन को वो क्या सोच रहा है वो देखना है, अपना दे नहीं देखना है, क्योंकि अपन कुछ भी लगाएंगे फिर उसकी वजह अपना गलत हो सकता है। इसलिए तो वही मैंने आंसर लिए हैं जो एग्जामिनर के अकॉर्डिंग सही हैं, बाकी अपने लिए भी तो बहुत चीज़ें सही होती हैं। अब देखते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था। फर्स्ट क्वेश्चन में ये है कि इसमें बता है कि जब अपन 1, 2, 1, A, B और D को रोटेट करेंगे एंटी क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज, तो इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा, बट अपन C को करेंगे तो इसमें बहुत चेंज आ जाएगा, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, तो इसलिए C आंसर है। इसमें ये बताया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखा है तो इसमें क्या है, इसमें सर्कल बने हुए हैं सारे, ठीक है, लाइनें भी बनी हुई हैं, और अब देखेंगे अब कैसे क्या है। अब देखिए, अब ये इसमें कैसे कैसे बना हुआ है, ये सर्कल बना है, ये ट्रायंगल बना है, कितने का गैप है, 1, 2, 3, एक है इसमें 3 का गैप है, ये सर्कल है ये ट्रायंगल, 1, 2, 3, ये सर्कल ये ट्रायंगल कितने का गैप है, 2 का, ये सर्कल ये ट्रायंगल कितने का गैप है, 1, 2, 3, और इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करेंगे, सर्कल और ट्रायंगल देखेंगे, तो उसमें इसे भी इसी में डिफरेंस आ रहा है, बाकी तो दूसरे भी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि इसमें एक एक का, इसमें भी एक का, इसमें भी 3, तो सेम होंगी नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, सी वाला, क्योंकि इसमें 2 का डिफरेंस है, बाकी सब में 3 का है, तो अपना सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे थर्ड वाला। तो थर्ड में क्या है, अपन अपन इसका अगर रोटेशन करेंगे, इसमें बोला है रोटेशन करेंगे, अब अपन इसको रोटेशन करेंगे तो इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा। देखो इसको ऐसे घुमा देंगे तो इसमें कुछ नहीं चेंज आएगा, इसको घुमा देंगे तो इसमें चेंज नहीं आएगा, और ये रिवर्स साइड है, ये देखिए है ना, कुछ डिफरेंट, कुछ कुछ आपको भी कुछ कुछ अलग लगेंगे फिगर, कुछ कुछ अलग लगेंगे, एग्जामिनर के अकॉर्डिंग करेंगे अपन, अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वही अपन, अगर यही टेस्ट आपको आ जाए, अगर उसका आंसर तो डी होगा, आप लगाता होगे ए, आपको कुछ और लगेगा तो आपको लगेगा हाँ यार डी था, अपन ने डी करा था, तो इसलिए थर्ड का क्या आंसर होगा, डी। अब देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन, अब नंबर नहीं डाले मैं, यहाँ डाल दूंगा, ये फोर्थ क्वेश्चन है और ये फिफ्थ है, क्योंकि फालतू तो टाइम वेस्ट क्यों करें, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन करने से मतलब है, आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन करिए। अब इसमें देखिए इसमें क्या डिफरेंस लग रहा है, इसमें सर्कल बने हैं सब में, फोर्थ में सर्कल बने हैं, और सर्कल बने हैं, ट्रायंगल भी सब में बने हैं, और लाइन लाइन खींची हुई है नीचे तक, लाइन खींची हुई है, और डी में क्या है, डी में भी लाइन है, और ऊपर 2 लाइन है, नीचे टच है, 2 लाइन है नीचे टच है, 2 लाइन है नीचे टच है, इसमें क्या डिफरेंस है, पाए इसको
सेम ही लग रहे हैं यार, चारों चारों के चारों सेम लग रहे हैं। इसका आंसर आप बताओ ऑप्शन में, क्या दिक्कत लग रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिफ्थ फिफ्थ देखेंगे। तो ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये भी इसमें भी सेम डायरेक्शन, इसमें भी सेम डायरेक्शन है, और इसमें ये एक अलग चला गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसमें देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, अब इसमें इसमें देखो ये तीनों डिजाइनें अलग अलग हैं, एक डार्क है, एक कम है, एक कम है। इसमें भी अलग अलग हैं तीनों, इसमें भी तीनों अलग अलग हैं, इसमें मगर दो सेम हो गए हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बॉक्स बने हुए हैं, लाइन बनी हुई है। अब देखिए ये इसमें मिल रही है, ये इसमें मिल रही है, ये इसमें मिल रही है, बट इसमें ये दूर दूर हो गई है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब इसमें क्या है, देखो सारे फिगर ले लिए जो जो इम्पोर्टेंट है। अब इसमें देखो क्या है, इस फर्स्ट वाले में लाइन इसमें सब है, इसका आंसर ए होगा। ए क्यों होगा, क्योंकि इसमें ये लाइन है, ये ऐसे ऐसे ये इसमें नहीं मिल रही, बाकी सब में मिल रही हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख ही रहा है, इसमें तीन लाइन है, बाकी सब में दो दो लाइन है। उसके बाद देखेंगे तो उसके बाद क्या है, टेंथ वाला देखेंगे। तो टेंथ वाले में क्या है, टेंथ वाले में देखो आप सब फिगर सेम लग रहे हैं, बस इसके नीचे ऊपर है, इसकी भी ऊपर है, इसकी रिवर्स में हो गई, इसकी भी ऊपर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, वो बने हैं ऊपर, सर्कल बना है, और नेक्स्ट वाले इसमें देखिए ये ओपन है तो इसके सामने सर्कल बनना है, ये ओपन है तो इसके सामने, ये ओपन है तो यहाँ बनना चाहिए, मगर कहाँ बन गया, यहाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ। इसमें भी देखो ये ओपन है तो यहाँ बना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। ट्वेल्थ वाला देखेंगे, ट्वेल्थ वाले में क्या है, एरो एरो देखेंगे इसमें, तो इसमें यहाँ एरो आ रहा है ए में, और इसमें क्या आ रहा है, इसमें यहाँ आ रहा है, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं सारे, ये देखो इधर घुमा, इधर घुमा, एक ये उधर घुमा। टी डिज़ाइन के शेप में फॉलो कर रहे हैं, वह ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है बी वाला, बाकी सब सेम लग रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में डिब्बे बने हुए हैं सारे, ठीक है। तो इसमें क्या है, इन ऑल फिगर द इनर डिज़ाइन कंसिस्ट लेस नंबर देन द अदर आउटर डिज़ाइन, और ये 13 वाला क्वेश्चन करेंगे। सब इसमें ये एक दो तीन चार कम हो गई, ये देखिए एक एक दो तीन चार पाँच, तो अंदर चार हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, तो अंदर चार हैं, एक दो तीन चार, तो अंदर पाँच हो गई, और एक दो तीन चार पाँच छः, तो अंदर चार हो गई, तो इसमें अंदर वाले में ज़्यादा आ रही है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, इसमें सर लड़के बने हैं, एक ये बना, ये बना, ये बना है, और पैर पैर, ठीक है। इसमें सारे सेम लग रहे हैं, इसमें ऐसे ही बने होंगे, सबके हाथ इधर हैं, और बस इसका ही नहीं है, इसके हाथ खुले हैं, ठीक है, स्ट्रेच हैं, ये इधर को जा रहे हैं, बाकी इसके इधर जा रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, कुछ कुछ आंसर आपको अलग लग रहे होंगे, कि आपको जिसमें डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा, आपका डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है। तो इसमें देखेंगे, अब इसमें क्या है, इसमें देखिए ये डिज़ाइन टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ये भी टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, और ये भी, ठीक है, बस ये डिवाइड नहीं हो रहा, ये एक सिंगल है, ये सारे बाकी सारे डिवाइड हो रहे हैं कितना, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट में क्या दिख रहा है आपको, ये अपोजिट है डार्क वाले, ये भी अपोजिट है, ये अपोजिट नहीं है, ये भी अपोजिट, एक दूसरे के सामने आ रहे हैं ना सारे, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फूल में क्या है, इन फूल पत्ती में क्या है, तो अब इसमें है देखो डिज़ाइन ऊपर तो सेम है, सर्कल सेम बने,
नीचे भी पत्ती सेम बनी है। और हाँ, इसकी पत्ती देखो, इसकी पत्ती ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है सबकी, इसकी नहीं नीचे चलेगी, तो ये आंसर हो जाएगा। लेकिन ये देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, अब इसमें देखो, इसमें जो डिज़ाइन है, बाकी ऊपर तो कुछ सेम नहीं है, नीचे डिज़ाइन देखेंगे। तो नीचे क्या बना है, नीचे ये तीनों डिज़ाइन सेम बना है, बस इधर उधर हो गया है, इसमें कुछ डिफरेंट बना है, तो ये आंसर हो जाएगा। इसमें सारे फिगर कवर कर लिए मैंने जो भी आए हैं आपके। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी से, क्योंकि अगर आपको अभी तैयारी नहीं करनी, आपको वेट करना है कि आंसर की आ जाए या CBET के बाद ही करूँगा रिजल्ट के बाद, तो अब भी आप सब्सक्राइब कर लें तो आपको चैनल ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वीडियो सर्च करने में जल्दी मिलेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है। अब देखिए, ये फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ये भी फोर इक्वल पार्ट में हो रहा है, ये भी फोर इक्वल पे है, मगर ये नहीं हो रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अब देखो, 1 2 3 4 5 6 हैं, 1 2 3 4, 1 2 3। अब इसमें ना, इसमें थोड़ा ब्लर हो गया है, और इसमें क्या है, ये जो साइड है ना, ये साइड के अकॉर्डिंग ये कम है, ये साइड के अकॉर्डिंग ये कम है, ये साइड के अकॉर्डिंग किसी में कम है, मगर इसमें जितनी साइड हैं उतनी हैं, तो ये थोड़ा डिफरेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देखेंगे 22वां क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या है, अपना फिगर बने हुए हैं, अब इसमें देखेंगे कौन सा है। अब देखिए इसमें, इसमें क्या है, अब इसमें देखिए, ये चार चार लाइन आ रही है, तो इसमें भी चार आ रही हैं, इसमें चार आ रही हैं, इसमें भी चार आ रही हैं, इसमें चार आ रही हैं, भाई ये तीसरा फिगर है, इसमें चार आ रही हैं, इसमें भी चार आ रही हैं, तो कौन सा डिफरेंस हो गया, ये वाला सी वाला। ये नेक्स्ट फिगर है, फिगर बहुत अच्छे अच्छे हैं, आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं ये CBET में, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है आपको, 1 मिनट में कम से कम 10-15 क्वेश्चन करने होंगे, तो अभी से आप देख के जाओगे तो आपको ईजी पड़ेगा, डायरेक्ट अगर क्वेश्चन मिल जाए इससे, क्योंकि ये रेलवे में आए हुए ही क्वेश्चन है, आपको इजी पड़ सकता है। अब इसमें देखिए, अब इसमें तो आपको साफ साफ दिख रहा है, ये सब डिज़ाइन सेम है, ये अलग है थोड़ा बस। इसमें देखेंगे, इसमें क्या है, अब इसमें भी आपको सेम ही दिख रहा होगा, ये देखिए, वो ये ट्रायंगल बना है, ये भी ट्रायंगल बना है, तो अंदर भी ट्रायंगल बना है, ये सर्कल तो ये सर्कल तो ये सर्कल, ये सब सेम बने हैं, बस इसमें थोड़ा डिफरेंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब इसमें देखेंगे, इसमें क्या चल रहा है, और अब देखिए इसमें पहले, इसमें एक एक क्रॉस 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 सब में है, सर्कल 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 सब में है, ट्रायंगल 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 सब में, प्लस 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 इसमें नहीं है, प्लस यहाँ प्लस गायब है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। देखिए सब वैरायटी के क्वेश्चन है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एग्ज़ाम जब होगा सब आप अभी करके जाओगे तो वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक बार ज़रूर देख कर जाना वीडियो को, पूरा सब कवर कर दिया है मैंने। अब देखिए, अब इसमें देखो, इसमें ये क्या पार्ट्स हैं, ये सब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, ये सब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, देखो लाइन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, इसमें भी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, इसमें भी, ठीक है, बट इसमें देखो ये इक्वल है, ये अनइक्वल है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, एक्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में लाइन लाइन ये सेम उसकी हैं, देखो ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब लाइन जो सेम मेजर की हैं, सेम डिस्टेंस की हैं, लाइन सेगमेंट सेम है, इसमें एक ये बड़ी हो गई ज़्यादा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो। देखो कैसे क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा कि सब सेम ही लग रही हैं, तो सब वैरायटी के क्वेश्चन है, तो इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी जब ऐसे क्वेश्चन आप देखोगे, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई कॉम्पिटिशन बहुत है, तो इसलिए तो आप ज़रूर करके जाएं। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे, तो इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है अपन को, सब बने हैं स्क्वायर तो बने हैं, और इसमें है प्लस प्लस भी हैं,
अब इसमें देखो, इसमें क्या है, अपन पहले ये साइन देखेंगे, ये साइन है अब प्लस प्लस। अब इसमें ये ही एक्यूरेट लग रहा है, चार प्लस बीच में दिए हैं, देखो चार प्लस ऐसे दिए हैं, तो ये अल्टरनेटिव में दिए हैं। इसमें कहीं मैच हो गए हैं, इसमें भी कहीं मैच हो गए हैं, इसमें कहीं, इसमें सही दिए हैं, एक प्लस एक सर्कल, एक प्लस एक सर्कल प्लस एक सर्कल, तो ये थोड़ा एक्यूरेट फिगर लग रहा है, बाकी सब अलग अलग हैं, तो पहला अलग हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे, देखो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि तीनों अलग अलग हो, मतलब ऑलमोस्ट सेम हो, एक बीच में अलग हो, ठीक है, तो ऐसे भी पूछ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, तो देखो ट्रायंगल इसमें दिए हैं, ये दोनों ट्रायंगल हैं, दोनों सर्कल हैं, दोनों ट्रायंगल हैं, दोनों सर्कल हैं, दोनों ट्रायंगल हैं, दोनों सर्कल हैं, इसमें दो ट्रायंगल हैं, मगर ये अलग हो गया, यहाँ भी ऐसा होना चाहिए था ना, आंसर क्या हो जाएगा, हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बना हुआ है, अब इसमें देखो, हाँ ये आपको दिख रहा होगा, ये सब दो दो में डिवाइड है, देखो दो में डिवाइड है, इसमें कितनी आ रही है, तीन, तो ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट को मैं देखो सारे क्वेश्चन कवर किए हैं। अब देखियो इसमें, इसमें सब क्वाड्रिलेटरल बन रहे हैं, देखो ऐसे बन रहे हैं सेम, इसमें भी बन रहे हैं क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, मगर इसमें क्या बन रहा है, इंटरसेक्टिंग क्वाड्रिलेटरल बन रहे हैं ना, इसमें ये सब इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, और इसमें इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, एक ये बन गया तो दूसरा ये बन गया, इंटरसेक्ट नहीं करा ना, तो इसमें तो सब इंटरसेक्ट कर रहे हैं देखो एक दूसरे को, ये रहा, तो इसमें नहीं कर रहे हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, अब देखो एक्सेप्ट इसमें क्या आ रहा है, इसमें देखो लाइन, तो इसमें ऐसे ऐसे लाइन जा रही है, इसमें ऐसे 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 जा रही है सेम, ठीक है, इसमें भी ऐसे 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 आ रही है सेम, मतलब एक ही डायरेक्शन में, बस इसमें दो डायरेक्शन में, ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे 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 ऐसे, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है अपना, तो नेक्स्ट में इसमें ऑड फिगर देखना है। अब देखो, अब इसमें यही लग रहा है, इसमें सब में तीन 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 है, इसमें चार हैं, देखो इसमें मुंह भी बना दिया है, नाक भी बना दिए। अब ये लॉक का देखेंगे, ये ताला बने हुए हैं, तो इसमें क्या है, अब देखो इसमें, इसमें क्या डिफरेंस है, हाँ इसमें देखो ये जो लाइन है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, इसमें भी ऐसे 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 चल रही, इसमें भी ऐसे ऐसे ऐसे, भाई इसमें थोड़ी अलग हो गई, ऐसे ऐसे हो गई, तो ए ऑप्शन सही है। इसमें देखेंगे डांस कर रहे हैं कुछ लोग, तो इसमें टांगे देख लो पहले, टांगे सबकी, इसकी राइट वाली उठी है, इसकी भी राइट वाली, इसकी राइट, इसकी लेफ्ट वाली उठ गई है, ठीक है। हाथ तो, हाथ तो, हाथ का भी देखेंगे, तो हाथ का तो, टांग का भी अलग लग रहा है, अब हाथ का भी देखेंगे, अब बी का देखेंगे, अब बी का, टांग का, अगर टांग का देखेंगे तो एक ऐसी है, एक ऐसी है, एक ऐसी है, एक ऐसी है, तो ये सिमिलर हो रही है। अब हाथ का देखोगे तो हाथ का एक ऐसा है, मैं इसके दोनों ऊपर हैं, इसका एक ऐसा, इसका एक, तो हाथ से अगर देखेंगे तो ये टोटल अलग लग रहा है, तो ये आंसर। तो देखिए इससे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, टिपिकल क्वेश्चन, आप अगर टांग देख के करेंगे कि इसकी सबकी राइट की है, इसकी लेफ्ट की है, तो ये लगा दोगे, मगर हाथ देख के करोगे तो ये सही होगा। वैसे तो दोनों में बी ही आ रहा है, हाँ, बट हो सकता है किसी में अलग, किसी में कुछ। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आपको करा दिया मैंने, है ना। अब इसमें देखो, इसमें जो अपन साथिया बनाते हैं ऐसे वाला, वो इसमें एग्जैक्ट बन रहा है, बन रहा है, ठीक है, मगर इनमें किसी में नहीं बन रहा, तो इसमें सब है ना, ये सब उल्टे पुल्टे से हैं, इसमें अपन सीधा बनाते हैं ऐसे, ये उल्टे तो बनाते नहीं कभी, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में देखेंगे, इसमें क्या है, अब देखो इसमें तो सब
इसमें डॉटेड सर्कल इसी में ही आ रहा है, बाकी सब में तो एग्जैक्ट पूरा फिगर बने हुए हैं, इसमें ही खाली डॉटेड आ रहा है। अच्छे अच्छे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, आपको भी लग सकता है, इसलिए आप अभी से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। अच्छे क्वेश्चन है। अब इसमें देखो एरो कहाँ खुल रहा है, ये ओपन है तो एरो खुल रहा है, इधर ओपन है तो एरो, इधर खुल रहा है ये ओपन है, अब इधर क्या क्लोज की तरफ चला गया तो ए सही ए गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आएगा अब देखिए। ये सारी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, एक ब्लैक 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 ये तो है ही, ठीक है, और सारे एक दूसरे के अपोजिट ही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखो ये लाइन ऐसे चल रही है, इसमें भी ये लाइन ऐसे चल रही है, इसमें भी ये लाइन ऐसे चल रही है, भाई इसमें बिल्कुल सीधी सीधी हो गई है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब इसमें देख लीजिए, उसमें चार दो सर्कल इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी है। अब इसमें एक सर्कल ऊपर वाला ऐसे घूम रहा है, इसमें भी ऐसे घूम रहा है, इसमें भी ऐसे घूम रहा है, इसमें भी ऐसे घूम रहा है, और इसमें ये एंटी क्लॉक वाइज, इसमें भी एंटी क्लॉक वाइज, इसमें भी एंटी क्लॉक, और इसमें क्लॉक वाइज घूम रहा है, ठीक है, ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखो, ये बना है समय पीछे 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 के, बट इस वाले में आगे एरो बना है, तो बी हो गया ऑप्शन। इसमें देखेंगे फिगर में, अब इसमें देखो साइड कितनी है, एक दो तीन चार पाँच, तो पाँच क्रॉस बने, एक दो तीन, तो तीन क्रॉस बने, एक दो तीन चार, तो चार क्रॉस बने, इसमें कितनी है, एक दो तीन चार पाँच छः, मगर क्रॉस कितने बने, पाँच, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सब सिमिलर ही हो रहे हैं बट ये वर्टिकली डिवाइड हो रहा है, ये भी वर्टिकली डिवाइड हो रहा है ऊपर से नीचे, ये भी वर्टिकली डिवाइड हो रहा है, बट ये हॉरिजॉन्टल होता है, अगर इसमें भी ऐसी लाइन होती तो चारों फिगर सेम होते हैं, ये अलग हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, ट्रायंगल बना है, अंदर दो वो बने हुए हैं, बाकी सब में अंदर ऐसे ही बने हुए हैं, अब देखो इसमें सेम सेम डिज़ाइन है, सब में सेम सेम डिज़ाइन है, बट इसी में ही थोड़ा अलग जा रहा है, इनर आउटडोर का ना, बाकी ये सर्कल ये बन रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट में अब देखो, ये जो बड़ा सर्कल ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल बना है, ये है ये भी है, और ये अंदर है बाहर है, जो सेम सेम बने हैं, भाई इसमें थोड़ा डिफरेंट हो रहा है, ये देखो ये है और ये सेम है, और इसमें थोड़ा डिफरेंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो ये सिमिलरिटी मिल रही है दोनों तरफ, ये देखो सिमिलर हैं, ये भी सिमिलर हैं, बट ये एक ऊपर अलग डिज़ाइन बन गया, नीचे अलग है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब इसमें देखो, अब इसमें क्या है, सब स्ट्रेट लाइन से बने हैं, लाइन से बने हैं, और ये कैसे बना है, ये बना है सर्कल से, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। सारे क्वेश्चन कवर हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या है, अब इसमें सी अलग सा लग रहा है, अब इसमें देखो ये सेम 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 है, सेम 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 सेम, बट इसमें उल्टे रख दिए, बाकी सब में सेम रखा है, तो ये अलग हो जाएगा, सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, एरो जा रहे हैं ऊपर नीचे, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, बट इसमें देखो ये अगर अपन इसके ऐसे देखेंगे, और ये अगर पानी होगा तो नीचे भी ऐसी इमेज आएगी उल्टी, बट ये डिफरेंट हो गया ना थोड़ा, ऐसे आएगी गलत, तो डी थोड़ा अलग हो जाएगा, पानी ये तो मिरर इमेज हो गई, वाटर इमेज नहीं हो गई। अब इसमें देखेंगे, इसमें क्या चल रहा है, ये ऐसे चल रही है, फिर ये ऐसे चल रहा है, फिर बीच में एक ऐसा बना है, इसमें ये ऐसे है, ये ऐसे है, इसमें ये ऐसे हैं, ये ऐसे है, ये ऐसे है, बट सब में ऐसे उल्टा पुल्टा है, बस सी में सारे सीधे सीधे बने हुए हैं, तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 51, 51 तक क्वेश्चन कर लिया अपन ने, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, अब देखो
अब इसमें ए बी सी डी, अब आपको ए बी सेम लग रहा होगा, बी बी सेम लग रहा होगा, सी बी लग रहा होगा, डी बी लग रहा होगा, सब सेम लग रहे हैं। बट अगर आप इसको रोटेट करोगे ऐसे घुमा के तो ये बन जाएगा, अब इसको रोटेट करोगे ऐसे घुमा के तो ये बन जाएगा, मगर ये फिगर नहीं बनेगा। रोटेट कर लो कैसे भी कर लोगे, ये फिगर नहीं बनेगा क्योंकि ये ऐसे चल रहा है क्लॉक वाइज और ये सारे एंटी क्लॉक वाइज, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिख रहा है। एक सर्कल है और एक ट्रायंगल है और डिवाइड है वो सारे, ये सब डिवाइड हैं इक्वल, ये ऐसे है, ये भी ऐसे है, सर्कल ऐसे, अब इसमें क्या है, ये थोड़ा अलग लग रहा है, इसमें सर्कल अंदर है, इसमें एक साइड पहुंच गया सर्कल। कुछ कुछ क्वेश्चन में डाउट आएंगे क्योंकि उनका आंसर अलग होते हैं, अपनी सोच अलग होती है, इसलिए। अब देखो अगर अपन ने इसको घुमाया क्लॉक वाइज तो ऐसे बनेगा, इसको घुमाया तो ऐसे बनेगा, मगर ये उल्टा जा रहा है तो आंसर ये हो जाएगा। देखो आपको कितने सारे टाइप मिल रहे हैं कि क्लॉक वाइज भी घुमा सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं, काउंट करके भी हो सकता है, रेशियो भी हो सकता है, तो सब आपको पता चल रहा है। तो वहाँ पे अगर कुछ क्वेश्चन आए तो आप सब अप्लाई कर सकते हो और अपना क्वेश्चन सही कर सकते हो। अब इसमें देखो इसमें क्या चल रहा है, ए में ट्रायंगल, अब ए में खुला है, ए में बंद है, बाकी सब खुले हैं। अगर लाइन देखेंगे ये ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये इधर है, ये इधर है, ये दोनों में इधर इधर है, तो ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा। ए में बंद है, बाकी सब में खुले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 55 है हो गए, तो इसमें क्या चल रहा है, इसमें इसमें देखो एक फिगर, एक लाइन वर्टिकल है तो एक हॉरिजॉन्टल है, एक ऐसी जा रही है तो ऐसी जा रही है, एक ऐसी जा रही है, इसमें पूरी एक ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये पूरी एक डिजाइन बन गया। नहीं यार थोड़ा सॉरी सॉरी गलत हो गया, इसमें अपन ने ये देखो, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, बस इसमें ही नहीं जा रही है, तो ये ऑप्शन होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, अब देखो इसमें भी वही चल रहा है, सारी हॉरिजॉन्टल लाइन चल रही है, वर्टिकल लाइन चल रही है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, इसमें तो क्रॉस प्रोस हो चुका है सब, तो ये आंसर हो जाएगा आपका डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट में देखेंगे, अब नेक्स्ट में आपको इजी लग रहा होगा, सारे एरो देखो पहले, एरो सब में अंदर आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, वैसे में बाहर को जा रहा है, तो एक सब भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब देखो ये भी दिख रहा है, सारे क्लॉक वाइज घूम रहे हैं, ये एंटी क्लॉक वाइज घूम रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें देखो ये अलग है, बाकी सब में एक एक इक्वल में एक पार्ट भरा है, ठीक है। अब ये देखेंगे नाइन्थ वाला, तो इसमें सिर्फ दो 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 दो, इसमें तीन है, ठीक है, टच नहीं है एक दो। अब इसमें देखो इसमें क्या है, एरो एरो लाइन एरो लाइन, एरो पे लाइन है, इसमें भी एरो पे लाइन है, इसमें भी एरो पे लाइन है, इसमें भी एरो पे लाइन नहीं है, ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस होगा। इसमें देखो ये ट्रायंगल कहाँ आ रहे हैं, साइड एक संग आ रहे हैं, इसमें भी ट्रायंगल एक संग आ रहा है, इसमें भी ट्रायंगल एक संग, भाई इसमें एक दोनों के अलग अलग हो गए, तो ये आंसर हो जाएगा। ये शायद दो बार हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, जो इसमें देखो सर्कल बने हैं सब में और ये सब क्लॉक वाइज घूम रहे हैं, देखो ऐसे जाओगे फिर ये ऐसे फिर ऐसे, वही एंटी क्लॉक वाइज, क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज के तो बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें देखेंगे, इसमें देखो ये लाइन ऐसे जा रही है, ये भी लाइन ऐसे, ये लाइन ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, तो ये ऐसे, तो सिमिलर डी में आ रहे हैं, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब देखो इसमें तो दिख ही रहा है जहाँ पे सर्कल कितने हैं, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, लाइन भी चार है, यहाँ पे सिर्फ एक है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट में देखो क्या बता रहा है, हाँ अब ये जो बड़े एरो हैं
इसमें कितने, इसमें एक है, एक है, एक है, इसमें कितने, दो, और जो अपोज डायरेक्शन भी चेंज है।